और 1 जुलाई से आप आधार के बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। नया पैन लेने के लिए भी आधार की जरूरत होगी। सीबीडीटी ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को आंशिक राहत दी है जिनके पास आधार नहीं है, अब उन लोगों का पैन कैंसिल नहीं होगा। इसके अलावा सीबीडीटी ने यह भी साफ किया कि ऐसे लोग जिनको 1 जुलाई 2017 तक पैन अलॉट किया गया है और जिनके पास आधार नंबर है या फिर वो आधार बनवाने के पात्र हैं, उन्हें पैन को आधार से लिंक कराने के लिए जानकारी इनकम टैक्स को देनी होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को आंशिक राहत दी है जिनके पास आधार नहीं है और जो कुछ समय के लिए आधार नहीं बनवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का पैन कैंसिल नहीं होगा। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ कॉपरेटिव बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां आईटी के रडार पर हैं। आईटी अधिकारी फिक्स्ड डिपॉजिट और बड़े स्तर पर लिए गए पर्सनल लोन के लिस्ट तैयार कर रही है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कॉपरेटिव और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों ने नोटबंदी के बावजूद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बदलने का काम किया। शक जताया जा रहा है कि नोटबंदी के बाद कॉपरेटिव बैंकों ने पुरानी तारीख में जाकर फिक्स्ड डिपॉजिट किए और चेक भी जारी किए और सूत्रों के मुताबिक ईडी इस मामले की जांच में जुटी है और जांच में ये भी बात सामने आई है कि कुछ कॉपरेटिव बैंकों ने कमीशन लेकर पुराने नोट बदले हैं। शुरुआती जांच में 4 कॉपरेटिव बैंक और NBFCs के नाम सामने आए हैं जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात में है। करीब 9,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन जाँच के घेरे में। बैंक फ्रॉड मामले में सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की शिकायत पर सीबीआई ने सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज के 6 डायरेक्टर्स पर केस दर्ज किया है। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर संजय जैन, राजीव जैन, रोहित चौधरी, संजीव अग्रवाल और कमलकांत शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सीबीआई ने इस मामले में कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर्स के खिलाफ 6 केस दर्ज किए हैं। DBS बैंक से 122 करोड़ के फ्रॉड मामले में ये केस दर्ज की गई है और इस मामले में CBI पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज पर 21 बैंकों के कंसोर्शियम ने भी 2330 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इस मामले में भी कंपनी के डायरेक्टर्स पर केस चल रहा है और इस मामले में अप्रैल में ईडी ने कंपनी की 53 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अटैच की थी। मुंबई में क्लस्टर रीडेवलपमेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। इस फैसले से पुरानी बिल्डिंग और सरकार प्रॉपर्टी का पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया। बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रीजन में पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी FSI की मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार के असेसमेंट रिपोर्ट दाखिल कराने के बाद ये फैसला लिया गया और इस प्रोजेक्ट के तहत बर्बाद हुई बिल्डिंग और स्लम क्लस्टर को दोबारा ठीक किया जा सकेगा। सरकार की तरफ से दायर याचिका में साफ कहा गया है कि अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, देवीवली और में क्लस्टर पुनर्विकास की योजना है। करीब 30 साल या उससे ज्यादा पुरानी बिल्डिंग का पुनर्विकास किया जाएगा।